एसपी संगीता कालिया के निर्देशानुसार यातायात डीएसपी सुरेश कुमार हुड्डा ने सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ करते हुए बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वालों को गुलाब देकर एहसास कराते हुए यातायात नियमों का पालन करने तथा हेलमेट लगाकर वाहन चलाने के बारे में जागरूक किया। डीएसपी ने हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चलाने वालों को गुलाब देकर सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों की अनदेखी करना ही सड़क हादसों का मुख्य कारण होता है। उन्होंने कहा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह आम आदमी हो या फिर कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी, किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। डीएसपी हुड्डा ने कहा कि सड़क पर वाहन चलाते समय यदि थोड़ी सावधानी बरती जाए तो हादसों में कमी लाई जा सकती है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान पुलिस तथा सड़क सुरक्षा संगठन के सदस्यों द्वारा प्रमुख चौराहों पर कार्यक्रम का आयोजन कर वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाएं, तेज रफ्तार से वाहन को ना चलाएं, निर्धारित गति में ही वाहन चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग ना करें, वाहन में क्षमता से अधिक भार ना भरें, वाहन को गलत साइड से ओवरटेक ना करें तथा धुंध के मौसम में फॉग लाइट का प्रयोग करें, बड़े वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाएं ताकि रात के समय वाहन दिखाई दे सके। उन्होंने कहा, सवारी में चलने वाले वाहन चालक अपने वाहन में छत व बाड़ी से बाहर सवारी को ना बिठाएं तथा वाहन में सीमित आवाज़ में ही म्यूजिक बजाएं। उन्होंने कहा कि अभियान 11 जनवरी से 17 जनवरी तक चलाया जाएगा। रेवाड़ी हरियाणा से प्रेम भारद्वाज की स्पेशल रिपोर्ट। ना खत्म होगा के? आ जाओ। एक सप्ताह के लिए रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है, इसमें जो अवेयरनेस पैदा दी जा रही है कि यातायात के नियमों का पालन करें, टू व्हीलर पे हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, कम स्पीड में चलें, एल्कोहल का यूज ना करें, अगर फिर भी उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। सर, अक्सर देखने में आता है कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाला हर तीसरा व्यक्ति, क्या इस चीज़ से अवेयरनेस आएगी लोगों को? हाँ, बिल्कुल आएगी। क्या अगर इस तरीके से भी नहीं मानते और दूसरा तरीका क्या इख्तियार किया जाएगा? चालान कौन किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी।